और चाहता हूँ 2 मिनट के लिए जो सुन ले, उसके बाद अपना आगे संगठन चलेगा। तो मेरे हाथ जोड़कर सभी भाई बंधु से निवेदन है कि 2 मिनट शांति से अपना जो दिमाग है, एकाग्रता, जो मेरा भी कहीं लगा हुआ इधर MB वगैरह में, तो सब भूल के है। और मेरा एक ही कांस्टेंट है कि अब अपने को 23-22 तारीख को जो लड़ाई लड़नी है उसका टारगेट आज ही कर लिया जाए। ज्ञापन देना साहब को, कलेक्टर साहब को अपन देंगे, और अपन सबको मालूम कि आगे की रणनीति क्या चल रही है सरकार की। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि अपन सब अब कोई शादी है मान तरुण भैया, हम आज हमारा स्टूडेंट ये कार्यक्रम था कि जो 2013 में MBC और SSR कैडर की भर्ती निकाली गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी था, तो 4 महीने पहले वो फैसला भी आ चुका है, क्योंकि हमारे पक्ष में रहा। इसके पश्चात भी सरकार ने अभी तक कोई प्रक्रिया चालू नहीं करी हमारी भर्ती की। इसके लिए 33 जिलों में ही आज हमने निर्णय किया था कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी और अपने मंत्री महोदय और शासन सचिव महोदय के नाम ज्ञापन देंगे। तो आज हम उसी कड़ी में रैली निकाल कर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन घोषित किया है, और इसके पश्चात भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो फिर हम 22 तारीख को अपने विधानसभा को घेराव करेंगे जयपुर में, और इसके बाद 23 तारीख को आमरण अनशन की प्रक्रिया। आपका परिचय दीजिए। परिचय दीजिए आप। गायत्री शर्मा, जिला पर्यवेक्षण समन्वयक और प्रदेश महामंत्री नरेगा सर।